नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए मुकेश कुमार। अंबिकापुर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में बैलून सिलेंडर में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी सुनील शर्मा ने प्राथमिक और एहतियात के तौर पर बच्चों को अस्पताल पहुँचाया। हादसे के तेज धमाके से स्कूल के बच्चे सहम गए हैं। रेत के छींटे कुछ दूर तक फैले, जिससे एहतियात के तौर पर बच्चों का प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। इस दौरान काम करने वाले दो लोगों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। इस मामले को लेकर सरगुजा के एसपी सुनील शर्मा ने शहर के तीन थानेदारों सहित एसडीओपी की संयुक्त टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। वहीं घटना को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। अगली खबर की ओर देखिए मुकेश कुमार। लोसंगी शासकीय माध्यमिक स्कूल और आंगनवाड़ी पंचायत भवन परिसर में साफ सफाई नहीं होने की वजह से छात्रों को खेलकूद में काफी परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए स्कूलों के लिए स्वीकृति राशि दी गई। कई महीनों से स्कूल परिसर की साफ सफाई नहीं हुई। इस तरह के माहौल में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में विद्यार्थी ऐसे माहौल में पढ़ाई करने पर मजबूर है। इस मामले में वहाँ के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। आगे की प्रमुख खबरें देखिए लाल शाह की। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय प्रसाद के निर्देश पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शासकीय महाविद्यालय जावंगा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस साल का थीम मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नोडल अधिकारी डॉक्टर देश दीपक के द्वारा तनाव प्रबंधन और आत्महत्या रोकथाम के संबंध में जानकारी दी गई। सांसद दीपक बैज ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा जनता से माफीनामा जारी करे। भाजपा को इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए, जनता ने उन्हें 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था। उस घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए 3 बार सरकार चलाने का अवसर दिया गया, लेकिन भाजपा वादा करके मुकर गई। 2003 के घोषणा पत्र में आदिवासी परिवार को 1 गाय देने की बात कही गई। हर आदिवासी परिवार से 1 को सरकारी नौकरी देने, युवाओं को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। तो वहीं 2008 में किसानों को धान का 300 रुपए बोनस देने और 2013 में धान की कीमत 2100 रुपए के वादों को भी पूरा नहीं किया गया। एक बार फिर से जनता को ठगने के लिए घोषणा पत्र बनाने जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। वहीं हमने अपने घोषणा पत्र के सारे वादों को पूरा किया। राष्ट्रीय मजदूर इंटक कांग्रेस का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिकों के हितों की लड़ाई हमेशा इंटेक कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर लड़ी है। आगामी चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी खेतीहर मजदूर न्याय योजना को गांव-गांव तक पहुँचाने का कार्य करें। मजदूरों के लाभ के लिए बनाई गई योजनाओं को प्रत्येक मजदूर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर कार्य करने इंटक कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की रही है और आने वाले चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। इस सम्मेलन की आयोजित सभा को जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य सहित इंटक कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन आदि ने संबोधित किया। डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस मामले में अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का आया बयान। कहा, डॉक्टर रमन भाजपा के तथाकथित बड़े नेता माने जाते हैं। शाह किसी गुमनाम प्रत्याशी के नामांकन में जाते हैं। अमित शाह को संशय है कि गुमनाम नेता की सभा में कहीं भीड़ ना आ जाए। रमन सिंह को भरोसा नहीं कि वो राजनांदगांव से भी जीत पाएंगे, इसीलिए शाह दौरा कर रहे हैं। भाजपा का चेहरा घोषित नहीं कर पाने को लेकर उन्होंने आगे कहा कि भाजपा में प्रत्याशी सीट घोषित होने के बाद हर जगह विरोध है। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष रमन सिंह खुद को बड़ा चेहरा मानते हैं। भाजपा में असमंजस की स्थिति है। भूपेश बघेल के चेहरे के सामने भाजपा के पास कोई भी चेहरा नहीं है। भाई यदि ऐसा है तो स्वाभाविक हो सकता है कि रमन सिंह का चेहरा आगे करने की कोशिश करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में के नेताओं को इस बात का डर है कि कोई भी चेहरा आगे करेंगे तो उनमें जो गुटबाजी है और चरम पे हो जाएगी। 85 सीटें घोषित होने के बाद हर सीट पे सिर्फ पटकबल की स्थिति है, हर जगह विरोध हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष लेके प्रभारी तक के पोस्टरों पे कालिक पोती गई है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष स्वयं को अपना चेहरा मानते हैं, नेता प्रत्याशी स्वयं को अपना चेहरा मानते हैं, रमन सिंह जी
खुद अपने आप को चेहरा घोषित कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में उहापोह की स्थिति है और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व तो कोई भी चेहरा आगे करने में डर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी चेहरे को आगे करेंगे तो भूपेश बघेल के कद के सामने सारे चेहरे बौने साबित हो जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रियाओं के बीच जिलाधीश आकाश शिकारे और पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले ने पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को चुनाव के प्रति प्रशासन की गंभीरता का एहसास दिलाया। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 तारीख को मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसकी तैयारी में इन दिनों प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले ने बताया कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य मुख्य रूप से निर्वाचन प्रक्रियाओं का जायजा लेना है। बीते दिनों नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर जो बैनर पोस्टर फ्लैग लगाए गए थे, उनकी स्थितियों का निरीक्षण करने के साथ ही नगर के चौक चौराहों की व्यवस्था और आवागमन को सुदृढ़ता को देखना है। निर्वाचन प्रक्रियाओं के बीच भीड़ भाड़ वाले जगहों को चिन्हित करना है। वहीं जिलाधीश आकाश शिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के बीच फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका सीधा सा अर्थ है कि प्रशासन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नगर पालिका गरियाबंद के अंतर्गत हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि अभी निर्वाचन की घोषणा के बाद में आदर्श आचार संहिता लग गया है, तो उसका पालन किस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत कि वो लोग निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए, वो भी एक मैसेज दिया गया था। सभी हमारी जो टीम्स हैं, हमारे पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सभी टीम जिनको जो दायित्व सौंपे गए हैं, वो सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारी सभी FSTs, VSTs और SSTs चालू हैं। हमारा क्योंकि बॉर्डर उड़ीसा से भी लगता है, वहाँ पर भी हमारे जो SSTs हैं वो चालू हो गए हैं, हमारे सारे नाके सक्रिय हैं और इस प्रकार से बहुत एक अच्छा माहौल है और हमें लगता है कि आने वाले मतदान के जो निर्वाचन है उसमें सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे। ये जो मार्च पास्ट था, ये जो है लोगों के बीच में चुनाव को लेके एक सुरक्षित भावना निर्माण करने के लिए, और हमने जो रास्ते पे जो होर्डिंग पोस्टर्स है उसकी भी हमने निरीक्षण किया और संबंधित हमारे अधिकारियों को है हमने इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं चुनाव संबंधित, इसके लिए मार्च पास्ट निकाला था। हमारे जो है चेक पोस्ट हमने लगाया है, इंटरस्टेट चेक पोस्ट हमने लगाया है, हमारा जॉइंट चेक पोस्ट रहता है जो ओडिशा पुलिस के साथ हमने लगाया है, उसके साथ ही साथ हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी है, तो हमारी जो है चुनाव को लेके तैयारी जो है पूरी तरह से हम तैयार हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से पार्टी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तो किसानों के अनेक काम रुके हुए हैं, जैसे कि किसानों में 1,00,000 पंप का वितरण करना बाकी है। किसानों को ग्रीन हाउस, शेडनेस हाउस, पॉली हाउस, सोलर पंप मिलने में कठिनाई हो रही है, फिर भी भूपेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने चिराग योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इन योजनाओं और अनुदान राशियों का क्या हो रहा है, इसका कुछ भी अता पता नहीं है। जब हमारी सरकार थी तब हमने किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, कृषि तकनीक सुविधाएं दी थी। इतना ही नहीं, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग आदि के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की गई थी। फसलों के उत्पादन में आई गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित किए बगैर किसानों के जीवन को खुशहाल नहीं किया जा सकता। किसानों को सरकार पर निर्भर देखकर दुखी हो जाते हैं, यही हाल छत्तीसगढ़ के किसानों का है। हमें यह सोचना चाहिए, क्या किसानों को केवल 500-600 रुपये धान का अतिरिक्त देकर राज्य सरकार अपने दायित्वों से मुक्त हो सकती है? जब भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार थी तब हमने किसानों के अधिक मुनाफे के लिए कई योजनाओं पर काम किया था। सस्ते दामों पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, ग्रीन हाउस, पाली हाउस, कृषि तकनीकी उपलब्ध करवाने तथा मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग आदि के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में कई व्यावसायिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया ताकि किसानों को और अधिक दाम मिल सके। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगे और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने बैठक में आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और कोचों के माध्यम से अवैध रूप से मदिरा बिकने और पिलाने पर कार्रवाई करें। पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में किसी प्रकार की अवैध कार्यों को लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 दिन में 9 छापे मारे गए और 6 प्रकरण कायम करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे करीब 17 बल्क लीटर मदिरा जब्त की। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का आया बड़ा बयान।
कहा, पहले चरण के विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान 1 से 2 दिनों में होगा, बाकी सीटों पर थोड़ा समय लग सकता है, कुछ सीटों को लेकर अभी भी चर्चा बाकी है। 90 सीटों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे, और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।